चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज आपके लिए जयशंकर प्रसाद की रचना गुद्दड़ साईं। साईं, ओ साईं, एक लड़के ने पुकारा। साईं घूंघ पड़ा। उसने देखा कि एक 8 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा है। आज कई दिन पर उस मोहल्ले में साईं दिखलाई पड़ा है। साईं वैरागी था, माया नहीं, मोह नहीं, परंतु कुछ दिनों से उसकी आदत पड़ गई थी कि दोपहर को मोहन के घर जाना, अपने 2-3 गंदे गुदड़ यत्न से रख कर उन्हीं पर बैठ जाता और मोहन से बातें करता। जब कभी मोहन उसे गरीब और भीख मंगा जानकर माँ से अभिमान करके पिता की नजर बचाकर कुछ साग रोटी लाकर दे देता, तब उस साईं के मुख पर पवित्र मैत्री के भावों का साम्राज्य हो जाता। गुदड़ साईं उस समय 10 बरस के बालक के समान अभिमान, सराहना और उलाहना के आदान प्रदान के बाद उसे बड़े चाव से खा लेता। मोहन की दी हुई एक रोटी उसकी अक्षय तृप्ति का कारण होती। एक दिन मोहन के पिता ने देख लिया, बहुत बिगड़े। वह थे कट्टर आर्य समाजी। ढोंगी फकीरों पर उनकी साधारण और स्वाभाविक चिढ़ थी। मोहन को डांटा कि वह इन लोगों के साथ बातें न किया करे। साईं हंस पड़ा, चला गया। उसके बाद आज कई दिन पर साईं आया और वह जानबूझकर उस बालक के मकान की ओर नहीं गया, परंतु पढ़कर लौटते हुए मोहन ने उसे देखकर पुकारा और वह लौट भी आया। मोहन, तुम आजकल आते नहीं, तुम्हारे बाबा बिगड़ते थे। नहीं, तुम मेरी रोटी ले जाया करो, भूख नहीं लगती। अच्छा, कल जरूर आना, भूलना मत। इतने में एक दूसरा लड़का साईं का गुदड़ खींच कर भागा। गुदड़ लेने के लिए साईं उस लड़के के पीछे दौड़ा। मोहन खड़ा देखता रहा। साईं आंखों से ओझल हो गए। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साईं को ठोकर लगी, वह गिर पड़ा, सिर से खून बहने लगा। खिजाने के लिए जो लड़का उसका गुदड़ लेकर भागा था वह डर से ठिठका रहा। दूसरी ओर से मोहन के पिता ने उसे पकड़ लिया, दूसरे हाथ से साईं को पकड़कर उठाया। नटखट लड़के के सर पर चपत पड़ने लगी। साईं उठकर खड़ा हो गया। मत मारो, मत मारो, चोट आती होगी, साईं ने कहा और लड़के को छुड़ाने लगा। मोहन के पिता ने साईं से पूछा, तब चिथड़े के लिए दौड़ते क्यों थे? सिर फटने पर भी जिसको रुलाई नहीं आई थी वो साईं लड़के को रोते देखकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा मेरे पास दूसरी कौन वस्तु है जिसे देखकर इन राम स्वरूप भगवान को प्रसन्न करता? तो क्या तुम इसीलिए गुदड़ रखते हो, इस चित्रे को लेकर भागते हैं? भगवान और मैं उनसे लड़कर छीन लेता हूँ, रखता हूँ कि उन्हीं से छिनवाने के लिए, उनके मनोविनोद के लिए। सोने का खिलौना तो उचके भी छीनते हैं, पर चित्रों पर भगवान ही दया करते हैं। इतना कहकर बालक का मुंह पहुँचते हुए मित्र के समान गलबाही डाले हुए साईं चला गया। मोहन के पिता आश्चर्य से बोले, गुदड़ साईं, तुम नीरे गुदड़ नहीं, गुदड़ी के लाल हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी जयशंकर प्रसाद की गुदड़।